साल 1957, 25 फरवरी को दूसरी विधानसभा के लिए वोट डाले जाने थे। सूबे के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह अपने करीबी सिपहसालारों के लिए सुरक्षित सीटें खोजने में लगे थे। उस समय की बिहार सरकार में काबीना मंत्री महेश प्रसाद सिन्हा मुजफ्फरपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। सिन्हा जाति से भूमिहार थे और मुजफ्फरपुर में इस समुदाय के वोट फैसलाकुन थे। कागजी हिसाब किताब में महेश प्रसाद सिन्हा अजेय थे, लेकिन जल्द ही उन्हें ये गणित उल्टी दिखाई देने लगी। वजह थी उनके मुकाबले आया उम्मीदवार, जिसका नाम था महामाया प्रसाद सिन्हा। कभी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे महामाया प्रसाद ने महेश प्रसाद सिन्हा के उस्ताद श्री कृष्ण सिंह से विवाद के चलते कांग्रेस छोड़ दी थी। महामाया बाबू कायस्थ समुदाय से आते थे। मुजफ्फरपुर का जातीय गणित उनके पक्ष में नहीं था, लेकिन उन्हें भरोसा था छात्रों पर, जिन्हें वो अपने जिगर का टुकड़ा कहा करते थे। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1955 की 12 अगस्त से पटना के बीएन कॉलेज के छात्रों की स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस के कर्मचारियों के साथ किराए को लेकर एक दिन बगझग हो गई। गुस्साए छात्र सड़कों पर उतर आए, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों को आग के हवाले कर दिया। महेश प्रसाद सिन्हा उस समय श्री कृष्ण सिंह की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। पुलिस ने छात्रों को काबू में करने के लिए गोली चलाई। इसमें सीवान के एक छात्र दीनानाथ पांडे की मौत हो गई और इसके बाद छात्र आंदोलन और उग्र हो गया। 30,000 से ज्यादा छात्रों ने पटना में सचिवालय को घेर लिया। उन्हें महेश प्रसाद सिन्हा इस गोलीकांड के जिम्मेदार लगते थे, खलनायक लगते थे। आखिरकार खुद प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पटना आना पड़ा छात्रों को समझाने के लिए। उस दौर में भी पटना हवाई अड्डे पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए। छात्रों के इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे महामाया प्रसाद सिन्हा, पुराने कांग्रेसी, आजादी के सेनानी, खुद सीवान के रहने वाले। उनके गांव जवार का एक लड़का पुलिस की गोली का शिकार हुआ था। उन्होंने ऐसे में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, इस मुद्दे पर भाषण देने लगे। महामाया बाबू भाषण के लिए विख्यात थे। जब इस दौर में इस आंदोलन में उन्होंने भाषण शुरू किए तो छात्रों का रोष कई गुना बढ़ गया। महामाया प्रसाद सिन्हा कई दफा मंच से भावुक होकर रोने लगते थे, कई दफा गुस्से में, आक्रोश में अपना कुर्ता फाड़ने लगते थे और एक वाक्य उनके भाषण में तयशुदा तौर पर होता था, विद्यार्थी हमारे जिगर का टुकड़ा है, इन्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। महामाया प्रसाद की इन अदाओं ने छात्रों को उनका कायल बना दिया और इसी मुद्दे को लेकर वो मुजफ्फरपुर से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महेश प्रसाद सिन्हा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। आखिर में श्री कृष्ण सिंह ने जब बाजी फंसी देखी तो अपनी तुरुप चाल चली। प्रधानमंत्री नेहरू चुनाव प्रचार के लिए बिहार के दौरे पर आने वाले थे। श्री कृष्ण सिंह ने उनकी एक सभा मुजफ्फरपुर में करवाने का निर्णय लिया। उन्हें उम्मीद थी कि नेहरू का करिश्मा महेश प्रसाद सिन्हा की शिकस्त रोक सकता है। नेहरू आए, सभा की, फिर खुली जीप में बैठकर पूरे मुजफ्फरपुर में घूमे, महेश प्रसाद सिन्हा के लिए वोट मांगे, लेकिन कोई भी तरकीब काम नहीं आई। महामाया प्रसाद सिन्हा ने जातीय गणित को ठेंगा दिखाते हुए ये चुनाव 2,804 वोटों से जीत लिया। लेकिन महामाया प्रसाद सिन्हा को जाइंट किलर की शोहरत मिलने में अभी भी एक दशक का वक्त था। यह साल था 1967 का। कृष्ण बल्लभ सहाय सूबे के मुख्यमंत्री थे और उनके कट्टर सियासी प्रतिद्वंदी रामगढ़ के पूर्व राजा कामाख्या नारायण सिंह नई पार्टी बनाकर उनको चुनौती देने में लगे थे। इस पार्टी का नाम था जन क्रांति दल। केपी सहाय की सरकार पर वैसे भी संकट के बादल मंडरा रहे थे, सरकार पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहे थे, लेकिन जैसे ये काफी नहीं था, 5 जनवरी को चुनावी वर्ष में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटना यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर थे। वजह, फीस में बढ़ोतरी और दूसरी सुविधाओं की मांग। केपी सहाय ने छात्रों के खिलाफ सख्ती से काम लिया। कई छात्र पुलिस की गोली का शिकार हुए और फिर बिहार के कई जिलों में छात्र सड़क पर उतर आए। मुख्यमंत्री केबी सहाय की बढ़ती अलोकप्रियता उन्हें खुद भी इसका अंदाजा था, लिहाजा उन्होंने अपने लिए एक सुरक्षित छांव की सीट की तलाश शुरू कर दी। वो सिटिंग विधायक थे पटना पश्चिम से। इसके अलावा वो चुनाव लड़े गिरिडीह पर। गिरिडीह से वो 52 में जीते थे और 57 में हारे थे और हार के बाद ही पटना पश्चिम आए थे 62 में, जहाँ से मुख्यमंत्री बने थे। यानी दोनों सीटों से उनका इतिहास जुड़ा था। एक बार फिर से 1967 के चुनाव में उनकी किस्मत, उनकी राजनीति दांव पर थी। पटना पश्चिम की सीट जातीय समीकरण के हिसाब से केबी सहाय के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती थी।
यहां पर राजा रामगढ़ का प्रभाव भी नहीं था, इसलिए ऐसे प्रत्याशी की तलाश थी जो अपने दम पर मुख्यमंत्री को चुनौती दे सके। और ऐसे में राजा रामगढ़ ने चुनावी मैदान में जन क्रांति दल के परचम तले उतारा मुख्यमंत्री के सजातीय महामाया प्रसाद सिन्हा को। वही महामाया प्रसाद जो कहते थे, विद्यार्थी हमारे जिगर का टुकड़ा है। केबी सहाय उनके सामने मुकाबले में कहीं थे ही नहीं। आप यूं समझिए कि मुख्यमंत्री को मिले 13,305 वोट और उनकी हार का अंतर था 20,729 वोट। महामाया प्रसाद सिन्हा ने केबी सहाय को, या कहें कि छात्रों ने और उसके नेता ने केबी सहाय को धूल चटा दी थी। '67 का चुनाव केबी सहाय के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी बुरा सपना साबित हुआ। कांग्रेस को केवल 128 सीटें मिली और वो बहुमत से 42 सीटें पीछे थी। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर एकजुट हुए विपक्षी दलों ने बहुमत हासिल कर लिया था। इसमें लोहिया की पार्टी यानी कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संसोपा, इसे मिली थी 68, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यानी प्रसोपा को 16, जन क्रांति दल को 28, जनसंघ को 25, CPI 24 और CPM 4 सीटें। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लिहाजा राज्यपाल MAS आयंगर ने कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता भेजा। तब महेश प्रसाद सिन्हा कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए थे। महेश प्रसाद सिन्हा को पता था सरकार बना भी ली तो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। दूसरी तरफ लोहिया देश भर में कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष का संयुक्त मोर्चा बनाकर संविध सरकारें बनाने की कोशिशों में लगे थे। उनकी पहलकदमी से बिहार में विपक्ष का गठबंधन मुमकिन हो गया, लेकिन पेच फंसा मुख्यमंत्री के सवाल पर, कौन होगा मुख्यमंत्री। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी संसोपा। कर्पूरी ठाकुर संसोपा के विधायक दल के नेता चुने जा चुके थे, लेकिन गठबंधन की दूसरी पार्टियों के कई नेता उनके नाम के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा बीच का रास्ता निकाला गया। मुख्यमंत्री को चुनाव में पटकरी देने वाले को ही मुख्यमंत्री का ताज सौंप दिया गया। कर्पूरी ठाकुर इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बने महामाया प्रसाद सिन्हा, बिहार के चौथे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनने के बाद महामाया सरकार ने एक आदेश जारी किया कि पुलिस किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों पर गोली नहीं चलाएगी। इसी सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की जांच के लिए जस्टिस TL वेंकटराम अय्यर आयोग भी बनाया। सरकार के उप मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने इसी दौर में मैट्रिक पास करने के लिए अंग्रेजी विषय में पास होने की अनिवार्यता खत्म कर दी। लेकिन इस खिचड़ी सरकार के अंतर्विरोध वो भी जल्द सामने आने लगे और लगा कि सरकार भी खत्म हो जाएगी। संसोपा इस गठबंधन का सबसे बड़ा दल था, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी जन क्रांति दल के पास थी। संसोपा का एक धड़ा इस बात से संतुष्ट नहीं था। इस बीच एक विवाद ने सरकार के पतन की नींव रख दी। परबत्ता से चुनाव जीतकर पहली दफा विधानसभा पहुंचे सतीश प्रसाद सिंह 15 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उनकी शिकायत थी कि पिछड़े वर्ग से आने वाले एक योग्य उम्मीदवार को पटना मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बनाया जा रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री सिन्हा को धमकाया, अगर उस उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करूंगा। चुनावी बिसात पर मात खाए केबी सहाय को जैसे इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने सतीश सिंह के पास संदेशा भिजवाया, फिर खुद पहुंचे, उनके गुट को मुख्यमंत्री का ऑफर दिया, कांग्रेस के बाहर से सपोर्ट का भरोसा दिया और इसके बाद महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार पर खतरा मंडराने लगा। जल्द ही बीपी मंडल भोला प्रसाद सिंह और सतीश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में सत्तारूढ़ दल के 25 विधायक अलग हो गए, अपनी पार्टी बना ली शोषित समाज दल। और इसके बाद 28 जनवरी को महामाया प्रसाद सिन्हा को विधानसभा में नए सिरे से बहुमत सिद्ध करने का न्योता आ गया राज्यपाल की तरफ से। कांग्रेस, शोषित दल और कुछ निर्दलीय विधायक उनके खिलाफ थे। उन्होंने संविध सरकार के खिलाफ वोट डाला। सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई और महामाया प्रसाद सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा। आपने महामाया प्रसाद सिन्हा के इस्तीफे की खबर सुनी। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक दिलचस्प वाकया हुआ था, जब DM और CM आपस में टकराए थे। 1967 का ये दौर, महामाया प्रसाद सिन्हा संथाल परगना क्षेत्र के दौरे पर थे। दुमका के सर्किट हाउस में रुके थे।
वहां पर उनकी मुलाकात हुई दुमका के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यशवंत सिन्हा से, और सिर्फ मुलाकात नहीं झड़प भी। यशवंत सिन्हा अपनी आत्मकथा रिलेंटलेस में लिखते हैं, वहां खड़े कुछ लोग मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत करने लगे। हर शिकायत के बाद मुख्यमंत्री मेरी तरफ मुड़ते और स्पष्टीकरण मांगते। मैं हर संभव उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करता, लेकिन उनके साथ आए सिंचाई मंत्री और बेगूसराय के कम्युनिस्ट नेता चंद्रशेखर सिंह का व्यवहार मेरे प्रति कुछ ज्यादा ही आक्रामक था। आखिर में मेरा धैर्य जवाब दे गया और मैंने मुख्यमंत्री की तरफ देखकर कहा, सर मैं इस व्यवहार का आदि नहीं हूं। इसके बाद मुख्यमंत्री मुझे दूसरे कमरे में ले गए और स्थानीय SP और DIG के सामने मुझसे कहा कि इस तरह से बर्ताव आपको नहीं करना चाहिए था। और तब मैंने जवाब दिया, आपके मंत्री को भी मेरे साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। DM की यह तुर्शी देखकर महामाया प्रसाद सिन्हा गर्म हो गए, मेज पर जोर से हाथ मारा और कहा, आपकी बिहार के मुख्यमंत्री से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? आप दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दीजिए। यशवंत सिन्हा का इस पर जवाब था, मैं शरीफ आदमी हूं, चाहता हूं कि मुझसे शराफत से पेश आया जाए, और जहां तक दूसरी नौकरी ढूंढने की बात है, मैं एक दिन मुख्यमंत्री बन सकता हूं, लेकिन आप कभी IAS अफसर नहीं बन सकते। यशवंत सिन्हा का कहना है कि मैंने कागज उठाए और कमरे से बाहर निकल आया। यशवंत सिन्हा शायद ये नहीं जानते थे कि महामाया प्रसाद सिन्हा भी ब्रिटिश काल में IAS के पुराने अवतार ICS में सिलेक्ट हुए थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के चलते उन्होंने इसे ज्वाइन नहीं किया। और रही यशवंत सिन्हा के मुख्यमंत्री बनने की बात, तो वो बिहार में 1995 में नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन मुख्यमंत्री की दावेदारी से पहले ही इंद्रप्रस्थ की चौसर में नए सिरे से मुब्तिला हो गए। महामाया प्रसाद सिन्हा 1969 का विधानसभा चुनाव जन क्रांति दल के टिकट पर अपने गृह अनुमंडल सीवान की महाराजगंज सीट से जीते, लेकिन 1972 के चुनाव के पहले वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस R में शामिल हो गए और सीवान अनुमंडल की ही गौरैया कोठी विधानसभा से चुनाव लड़े, फिर से जीते। पटना में सरकार बनी पहले केदार पांडे की, फिर अब्दुल गफूर की, लेकिन इस सरकार में महामाया बाबू का रुतबा कायम नहीं हुआ। छात्रों के जिगर का टुकड़ा जैसे सियासी अज्ञातवास में चला गया हो, लेकिन फिर छात्र पटना की सड़कों पर उतरे, पहले यूनिवर्सिटी के, फिर पूरे बिहार के। JP के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा गूंजा। इस दौरान 1974 में JP की पटना में एक चर्चित रैली भी हुई थी। ये वही रैली है जिसमें JP पर लाठी चलाने की कोशिश हुई, चली कि नहीं चली, लगी कि नहीं लगी, इसको लेकर खूब किंवदंतियां हैं। बहरहाल रैली के बाद सर्वोदयी नेता ने महामाया प्रसाद सिन्हा को अपने घर बुलाया। महामाया बाबू पहुंचे JP के कदम कुआं स्थित आवास, मंत्रणा की और बाहर निकलकर कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद उसी कांग्रेस सरकार के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन देने का फैसला किया। महामाया के इस सियासी कदम की खबर दिल्ली तक पहुंची। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनके कान खड़े हो गए। उन्हें पता था कि छात्रों को आंदोलित करने की महामाया बाबू की क्षमता क्या है। इंदिरा ने वहां से अपने हरकारे को, अपने पॉलिटिकल मैनेजर को, यशपाल कपूर को रवाना किया। ये वही यशपाल कपूर हैं जिनके कृत्यों के चलते 1975 में इंदिरा का निर्वाचन रायबरेली से रद्द हुआ था। वो कहानी फिर कभी। फिलहाल तो यशपाल कपूर पटना पहुंचे, महामाया प्रसाद सिन्हा को प्रधानमंत्री का संदेशा दिया, ये भी कहा कि आपको सरकार में समायोजित किया जाएगा। लेकिन महामाया प्रसाद सिन्हा बागी तेवरों के थे। उन्हें पता था कि कब अपने साथियों के साथ खड़े रहना है और कब सियासत करनी है। उन्होंने छात्रों का साथ नहीं छोड़ा, इमरजेंसी में बाकी विपक्षी नेताओं के साथ वो भी जेल गए। और 1977 के जनवरी के महीने में जब इंदिरा ने इमरजेंसी हटाई तो वो भी बाहर आए। देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था, सभी विपक्षी नेता चुनाव की तैयारी कर रहे थे। चुनाव की घोषणा होते ही JP की पहल पर सोशलिस्ट पार्टियों के सभी धड़े, लोकदल, कांग्रेस संगठन, जनसंघ और कांग्रेस के और दूसरे टुकड़े और युवा तुर्क जैसे चंद्रशेखर या मोहन धारिया या कृष्णकांत, इन सब ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों का भारतीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ, तय हुआ ये, क्योंकि इतनी जल्दी जनता पार्टी को सिंबल नहीं मिल सकता था। दल के सभी घटक
अपनी अपनी कोटरी के लोगों को चुनाव लड़वाना चाहते थे ताकि पोस्ट पोल सिनेरियो में उनकी दावेदारी मजबूत रहे। कई सीटें ऐसी थीं जिसमें जनता पार्टी के कई घटकों का दावा था। ऐसी एक सीट थी बिहार की राजधानी पटना की लोकसभा सीट। इस पर जनसंघ घटक के लोगों ने अपनी दावेदारी ठोकी और अपने कद्दावर नेता कैलाशपति मिश्र का नाम आगे किया। उधर बिहार के कायस समाज में अलग ही मगजमारी चल रही थी। उन्हें लगा कि पटना की सीट अगर हमारे समाज को नहीं मिलेगी तो पूरे प्रदेश में क्या मिलेगा। इस मामले पर पटना के वरिष्ठ पत्रकार कुमार अनुपम ने एक दिलचस्प चीज बताई। उनके मुताबिक जब जनता पार्टी के अलग अलग घटकों ने सीटों की छीना झपटी शुरू की तब जयप्रकाश नारायण इससे कमोबेश दूर रहे। उन्होंने हस्तक्षेप किया लेकिन बीच बचाव के लिए, और अपने लिए उन्होंने सिर्फ 3 टिकट मांगे जनता पार्टी के नेताओं से, और ये 3 टिकट मिले भी। कौन थे जेपी के 3 उम्मीदवार? छपरा से पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष लालू प्रसाद, हाजीपुर सुरक्षित से पूर्व विधायक रामविलास पासवान और पटना से महामाया प्रसाद सिन्हा। इस चुनाव में महामाया बाबू के जिगर के टुकड़े यानी स्टूडेंट्स पूरी तरह से जनता पार्टी के साथ और कांग्रेस के खिलाफ थे। कांग्रेस इस चीज को भांप गई, पटना की सीट अपने पार्टनर सीपीआई को सौंप दी। लेकिन कांग्रेस जनता का मिजाज नहीं भांप पाई थी। पूरी हिंदी पट्टी में यूपी बिहार में वो कमोबेश साफ हो गई थी और पटना की संसदीय सीट से महामाया बाबू आसानी से जीत कर लोकसभा पहुंच गए। जनता पार्टी शुरू से ही घटकवाद की शिकार थी। आपने टिकट वितरण का दौर सुना, सरकार चलाने में भी यही हुआ। और वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा ना तो मुरारजी देसाई की सरकार में मंत्री बन पाए ना चौधरी चरण सिंह की सरकार में। एक और चीज हुई जिसके चलते उनकी दावेदारी कमजोर थी। जब वो सांसद थे तभी उन्हें लकवा मार गया, पैरालिसिस का जोरदार अटैक हुआ और इसके चलते उनकी राजनीतिक सक्रियता बहुत घट गई। वो 1980 में दोबारा चुनाव लड़े, किसी तरह पटना से ही लड़े, और इस बार उनसे पिछले चुनाव में हारे सीपीआई के रामावतार शास्त्री 21 साबित हुए। ये चुनावी हार महामाया प्रसाद सिन्हा की सियासी जिंदगी का जैसे आखिरी पड़ाव था। '83 में जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ पटना में। इस अधिवेशन में जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने महामाया बाबू को न्योता तक देने की आवश्यकता नहीं समझी। अधिवेशन के आखिरी दिन जब जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को इस बात की जानकारी मिली तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने फौरन महामाया बाबू के करीबी रहे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को उनके कंकड़बाग स्थित घर भेजा मान मनवल के लिए, और अधिवेशन पूरा होने के बाद खुद चंद्रशेखर महामाया प्रसाद सिन्हा से मिलने गए। जब मिले तो उन्होंने पार्टी नेताओं के व्यवहार पर अपने हिस्से की निराशा भी जताई और माफी भी मांगी। महामाया प्रसाद सिन्हा ने शांत मन से चंद्रशेखर की दलीलें सुनी और माफ कर दिया। वो जानते थे राजनीतिक एकाकीपन, बुढ़ापा और पक्षाघात के बाद जूझता शरीर, उसको अब किसी भी सियासी तसल्ली की दरकार नहीं है। लेकिन उनका संघर्ष जिंदगी के लिए जारी था। 1987 में ये संघर्ष खत्म हुआ। महामाया प्रसाद सिन्हा ने जिंदगी को अलविदा कहा। पुराने जानकार कहते हैं उनके जैसा जिंदा दिल नेता बिहार की सियासत में फिर देखने को नहीं मिला। ऐसा नेता जो विद्यार्थियों के हित के लिए अपने राजनीतिक हित को किनारे रख देता था। महामाया बाबू की देह गुजर गई और उनकी सियासत जो गुजरी तो क्या निशान छोड़ गई। एक विरासत का चमकीला पल बताता हूं और एक नॉट सो चमकीला। वरिष्ठ पत्रकार बिहार के सुरेंद्र किशोर, उन्होंने ये टिप्पणियां की। कहा कि महामाया बाबू को बिहार की साफ सुथरी सरकार चलाने के लिए जाना जाएगा। 1967 में बिहार में जब उनकी गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो राज्य सरकार के दफ्तरों से जैसे घूसखोरी कुछ समय के लिए खत्म हो गई। कचहरियों के कर्मचारी भी डर गए थे, उन्हें लगा पता नहीं कब किसके यहाँ छापा पड़ जाए। इस सरकार में शुरुआती दौर में जो मंत्री बनाए गए वो तपे तपाए ईमानदार नेता थे, दशकों से जनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन इसी महामाया सरकार के कुछ मंत्रियों ने बाद के महीनों में अपनी हल्की कमजोरियां दिखानी शुरू कर दी और इसके बाद सरकारी दफ्तरों का पुराना ढर्रा लौट आया। सुरेंद्र किशोर कहते हैं कि फिर भी मेरा मानना है कि 1967 की महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार
बिहार की अब तक की सबसे ईमानदार सरकार रही। हालांकि ये मिलीजुली सरकार थी। ये तो चमकीला पल हो गया। अब दूसरी विरासत का जिक्र। कई दफा बोर्ड की परीक्षाओं के बाद बिहार से तस्वीरें आती थी, अब नहीं आती। अखबारों में छपने वाली इन तस्वीरों में क्या होता था? खिड़कियों पर नकल देने के लिए चढ़े लोग या स्कूलों के बाहर नकल की पर्चियों का ढेर। विद्यार्थियों को अपने जिगर का टुकड़ा कहने वाले महामाया प्रसाद सिन्हा, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए विद्यार्थियों को जैसे नकल करने की खुली छूट मिली हो। इससे पहले तक ब्रिटिश परीक्षा प्रणाली थी, सख्त थी, नकल से मुक्त मानी जाती थी। लेकिन 1967 के बाद जिगर के टुकड़ों को खुला हाथ मिल गया। प्रशासन को साफ कहा गया, विद्यार्थियों पर सख्ती नहीं। और इसके बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है। ये शुरुआत थी। बाद के नेताओं ने अपने हिस्से का योगदान दिया और बिहार, मेधा से भरा हुआ बिहार, आज तक अपने शिक्षा तंत्र की कमजोरियों से जूझ रहा है। ये किस्सा यहीं पर खत्म होता है। एक और मुख्यमंत्री का सियासी सफर लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये दी लल्लन टॉप है।